तुलसीका मुख्य मन्त्रहरू पाठ गर्नु अघि प्रेमपूर्वक हात जोडौँ। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपीथ जम्बु फलचारु भक्षणम् उमासूतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनामं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदीशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानवन्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विश्वं शिरसा चतुर्भुजम् वृन्दा वृन्दावनी विश्व पूजिता विश्वपावनी पुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतम् ये पठितां च सम्पूज्य स्वस्व मेध फलं लभेत्। वृन्दा वृन्दावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नन्दिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी ये देवी तुलसी के आठ नाम है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करते समय इस नाम अष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तुलसी कानम चैव गृहे अस्यावतिष्ठते तद्गहम तीर्थभूतम ही नायन्ति यम किं करा तुलसी मंजरी भीर्य कुर्या धरी हरार्चनम न स गर्भगृहम याति मुक्ति भागी भवेन्नर ससात सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षित तुलसी पत्र तोयेन योभिषेकम समाचरेत सुधा घट सहस्रोण सातुष्टीर्ण भवेद धरे या चतुष्टिर्भवेन्नीणां तुलसी पत्र दानत पत्रं पुष्पं फलं मूलं शाखा तोकस्कन्दन संगीतं तुलसी संभवं सर्वं पावनं ऋतिकादिकम् तुलसी के पत्ते फूल फल मूल शाखा छाल तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। यद्येकं तुलसी काष्ठं मध्ये काष्ठ सतस्य हि दाह काले भवेन् मुक्ति कोटि पाप युतस्य च वर्ज्यं पर्युषितं पुष्पं वर्ज्यं पर्युषितं जलं न वर्ज्यं तुलसी पत्रं न वर्ज्यं जाहवी जलं जल में तुलसी दल मिलाकर जो व्यक्ति स्नान करता है उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जल पूर्ण घड़े में तुलसी डालकर उस पवित्र जल से भगवान शालिग्राम या अन्य देवताओं का अभिषेक करने से तो देवताओं तथा भगवान को ही ऐसी तृप्ति होती है जो अमृत पूर्ण हजारों घड़ों से भी संभव नहीं है। शिव पुराण में भनिएको छ तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करो तुये तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेद भविष्यते जो शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम हित्वा करो तुये भार्याहीनो भवेत् सोपी रोगी स्यात् सप्त जन्मसु जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा वे सात जन्म पर्यंत भार्याहीन रहेगा तथा रोगी होगा। इस प्रकार जो महाज्ञानी शालिग्राम शिला तुलसी तथा शंख को एक स्थान पर रखेगा वे श्रीहरि का प्रिय होगा।